जय हिंद छात्रों, हिंदी कालांश में स्वागत है आपका। आज हम उपस्थित हैं अलंकार को याद करने की एक ऐसी कला को लेकर जो बहुत ही आसानी से आपको अलंकार की पहचान करा देगी, वो है कविता। कविता द्वारा अलंकार याद करने की ट्रिक, तो आइए देर किस बात की, कविता की दो दो पंक्तियों में दो दो अलंकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम अनुप्रास और यमक। एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। बच्चों यहाँ पे देखना है कि बार बार एक वर्ण, जिस पंक्ति में बार बार एक ही वर्ण आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पर च की बार बार आवृत्ति हुई है। अब यमक को देखते हैं। यमक में एक ही शब्द दो बार आता है और अर्थ अलग अलग होता है। एक उदाहरण से देखते हैं। कनक कनक ते सौ गुने मादकता अधिकाय, यहाँ पर कनक जो शब्द है दो बार आया है और दोनों बार अलग अर्थ दर्शाता है। एक कनक है धतुरा और दूसरा कनक है सोना। तो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराय नर यही पाए बौराय, सोने में धतुरे से भी सौ गुना मादकता अधिक है। खाने के बाद व्यक्ति पागल हो जाता है, सोने को पा जाने से भी वह अभिमानी हो जाता है यानी पागल हो जाता है। श्लेष और अतिशयोक्ति। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। तो बच्चों श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। रहीमदास जी ने इस दोहे में लिखा है पानी से मतलब विनम्रता से भी लिया है। अब यहाँ पर पानी जो है तीन अर्थ दर्शाता है, मोती की कांति, मनुष्य की मर्यादा और चून के संदर्भ में पानी। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में यहाँ पर क्या बताया है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बात को कही जाती। सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग, यहाँ पर ये दर्शाता है कि हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जर गई, सारे निशाचर भी भाग गए। तो यहाँ पर बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ा दी गई है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यहाँ पर भी बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ा दिया गया है। अब बच्चों चलते हैं उपमा और रूपक की ओर। रूपक और उपमा में बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, एकदम मुश्किल से ही पकड़ में आता है दोनों में अंतर। तो कुछ बातें मैं बताऊंगी जिन्हें आप याद रखेंगे
और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रूपक है और कौन सा उपमा है। चरण कमल एक रूप, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चरण कमल चरण कमल में क्या साम्य है? दोनों को साम्य बताया गया है, दोनों को समान बताया गया है। रूपक अलंकार में चरण को ही कमल मान लिया गया है। और उदाहरण के साथ देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर जो चरण है कमल के समान है, ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि चरण ही कमल है। क्या कहा गया है? चरण ही कमल है। उपमान के रूप में बताया जाए वह रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर चरणों को कमल के समान बताया गया नहीं है, अपितु चरण को ही कमल बताया गया है। और एक लक्षण है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, चरण कमल इसमें योजक चिन्ह होता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो है बच्चों, विति विभावरी जागरी। विति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर आप देखिए, तारा घट इसमें जो है कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसके बाद देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचानने के लिए ध्यान देने योग्य बातें, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा की आशा। अब इसमें रहेगा सा सी से सम सरिस, जिन पंक्तियों में रहेगा वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा में तुलना की जाती है, जहां पर किसी वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ध्यान देना बच्चों, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। हृदय कैसा था? नील गगन सा, यहाँ पे सा शब्द आया है, तो अपने आप ही पहचान हो जाएगी कि उपमा अलंकार है। शांत हृदय का जो उपमा दी गई है, तुलना की गई है, नील गगन से की गई है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस चौपाई में सरिस आया है और सम आया, तो धर्म पर ही दूसरों के उपकार करने के अलावा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को दुखी करना, पीड़ित करना, इससे बड़ा कोई भी अधर्म नहीं है। तो इन पंक्ति में दो आपको मिल गया, सरिस और सम। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा अलंकार उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, दो चीज से भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। तो यहाँ पे दो पंक्तियाँ दी गई हैं समझने के लिए अलंकार कौन सा, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान।
उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो। इसमें आपको पहचान रखनी है। क्या पहचान रखी है? मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु इव, ये शब्द आएंगे जिन पंक्तियों में, वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कि पीले अंबर, पीतांबर, पीत अंबर, पीतांबर में वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुबह गिरी पर, पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रभात पड़ रहा है। आप देखेंगे बच्चों की बहुत ही सरल है उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना। मनहु जनहु मानो जानो जनु इव, शब्द जिस पंक्ति में आएगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान जो है दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। जहाँ पर दो वस्तुओं में भ्रम पैदा हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अलंकार पहचानने के लिए बस यही समझना बच्चों कि जहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो जाए कि सांप है या रस्सी है, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यहाँ पर देखिए सांप को हाथी की सुंड में, बिल का और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो आपने 8 पंक्ति की कविता में पूरे आपके जो प्रमुख अलंकार है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिया। तो अभी आपको ये अलंकार आसान हो गए। बच्चों आप हिंदी से जुड़ी जो भी समस्या है, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मैं आपको आगामी वीडियो में दे सकूं। धन्यवाद।